और जंग में रूस के नुकसान को यूक्रेन बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है, लेकिन अब आपको युद्ध में रूस के खजाने को हुए नुकसान की सबसे पक्की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि अब तक की जंग में व्लादिमीर पुतिन ने कितने पैसे लुटाए हैं। दरअसल पश्चिमी मीडिया के रिपोर्ट की माने तो युद्ध में पुतिन अब तक 6,77,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। एक साल में 9,02,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया गया और इनमें से 1,73,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ हथियार पर बर्बाद किए गए हैं। एक युद्ध जिसमें सिर्फ 9 महीने में रूस ने 6,77,00,000 करोड़ रुपए फूंक दिए। जंग पर खर्च यह आंकड़ा दुनिया की एक मशहूर मैगजीन ने जारी किया है। यानी विध्वंसक हथियारों की इस नुमाइश में युद्ध की पहली बरसी तक रूस के 9,00,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे। यूक्रेन में बम, रॉकेट, मिसाइल, जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर समेत न जाने कितने बेशुमार हथियारों का बारूदी तांडव जारी है। 24 फरवरी को युद्ध का एक साल पूरा हो जाएगा। इस दौरान यूक्रेन तबाह हो गया तो रूस का भी बेइंतहा नुकसान हुआ। यूक्रेन की जंग में रूस के बहुत सारे हथियार खाक में तब्दील हो गए। ऐसे में इन हथियारों की तादाद की पड़ताल से ज्यादा जरूरी है युद्ध में इस्तेमाल होने वाले एक एक हथियार की कीमत। सबसे पहले बात रूस के सबसे नए लड़ाकू विमान की, जो यूक्रेन की जंग में सुपर एक्शन में है। एक SU-57 फाइटर जेट की कीमत आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। रूस के इस मॉडर्न और लेटेस्ट लड़ाकू विमान की कीमत है 4,700 मिलियन रुपए, यानी 555,92,91,320 रुपए। यूक्रेन से जंग के बीच रूस में इस लड़ाकू विमान का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन जारी है। दावे के मुताबिक अब तक 9 SU-57 रूस की सेना के हवाले किए जा चुके हैं। जून 2022 के बाद रूस की सरकार और सेना के अफसर कई मौकों पर यूक्रेन में SU-57 की तैनाती के दावे कर चुके हैं। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी स्लाइवसार ने भी बीते साल अगस्त में कहा था, ये लड़ाकू विमान विशेष सैन्य अभियान में हिस्सा ले रहा है जिसका रिजल्ट बहुत उम्दा है। हालांकि दावा यह भी है कि SU-57 ने यूक्रेन के कंट्रोल वाले इलाके के ऊपर उड़ान नहीं भरी है, क्योंकि अभी रूस इस बेहद महंगे फाइटर जेट पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर इस लड़ाकू विमान का वाकई में रूस की जंग में इस्तेमाल हुआ है तो फिर यकीनन इसकी मिसाइलों को रूस के इलाके से ही दागा गया होगा। यूक्रेन में रूस ने अब तक कितने हथियारों को उतारा है इसे लेकर आपने बहुत सारी रिपोर्ट देखी होंगी, लेकिन ये पहली बार है जब हम उन हथियारों की कीमत बता रहे हैं जो रूस के बेड़े के ब्रह्मास्त्र हैं। यूक्रेन की जंग में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इल्यूशन 76 MD-90A का भी अहम रोल है। सोवियत संघ के समय में इसे ताशकंद में बनाया जाता था। 2006 में रूस की सरकार ने इसके मॉडर्न वर्जन के प्रोडक्शन का फैसला किया। इसके लिए प्रति एयरक्राफ्ट 3,710 मिलियन रूबल की कीमत तय की गई, यानी एक इल्यूशन 76 MD-90A की कीमत 437,64,63,380 रुपए हुई। लेकिन रूस की मीडिया के मुताबिक इस एक एयरक्राफ्ट पर निर्माता कंपनी एविया स्टार SP को 1 बिलियन रूबल का नुकसान उठाना पड़ा है।
और युद्ध में रूस की सेना को जिस हथियार की भी जब जरूरत पड़ी, पुतिन ने तुरंत हरी झंडी दिखा दी, चाहे वो अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर हो या फिर खतरनाक मिसाइल फाइटर जेट हो या फिर और हथियार। और यही वजह है कि देखिए रूस को युद्ध में हेलीकॉप्टर्स के को भारी नुकसान जो है वो लगातार पहुंच ही रहा है। लेकिन अभी भी युद्ध के मैदान में पुतिन के हथियार फैक्ट्री से एक से बढ़कर एक हथियार निकल रहे हैं। यूक्रेन में रूस के कई फाइटर हेलीकॉप्टरों ने कोहराम मचाया है। K-52 इस वक्त रूस का सबसे अहम लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो यूक्रेन की जंग में कहर बरपा रहा है। एक दावे के मुताबिक जनवरी 2023 तक रूस को यूक्रेन युद्ध में 30 K-52 का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर कीमत की बात करें तो एक K-52 को 958 मिलियन रूबल में बनाने का करार हुआ, लेकिन इसके निर्माण में 1177 मिलियन रूबल का खर्च आया, यानी K-52 बनाने वाली कंपनी को हर हेलीकॉप्टर पर 219 मिलियन रूबल का नुकसान हुआ। इस तरह से एक K-52 की कीमत हुई 165,12,27,805 रुपए। रूस की R-77-1 मिसाइल ने तो यूक्रेन का विनाश कर दिया। हवा से हवा में वार करने वाली ये मिसाइल रूस की सेना का बहुत बड़ा हथियार है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक R-77-1 मिसाइल की कीमत 29.9 मिलियन रूबल तय की गई थी, यानी भारत के लिहाज से 3,54,84,838 रुपए। रूस की मिसाइलों की फहरिस्त में लमूर का नाम भी बेहद अहम है। यह मल्टीपर्पज यानी बहुउद्देश्य मिसाइल है। इसकी गिनती रूस के सबसे आधुनिक हथियारों में होती है। यूक्रेन को तबाह करने में इस मिसाइल ने विलेन का रोल निभाया है। इस मिसाइल को Mi-28NM और Ka-52M हेलीकॉप्टरों पर लोड कर टारगेट पर वार किया जाता है। इसकी कीमत दुनिया के सामने नहीं आ पाती। अगर रूस का रक्षा मंत्रालय इसकी डिलीवरी में हुई देरी के खिलाफ कोर्ट नहीं जाता, मुकदमेबाजी के दौरान इसकी कीमत का पर्दाफाश हुआ, जिसके मुताबिक एक एलमूर मिसाइल की कीमत 14.2 मिलियन रूबल यानी 1,67,96,157 रुपए थी। यूक्रेन की जंग में रूस ने Tu-160 एयरक्राफ्ट का भी इस्तेमाल किया है। Tu-160 ब्लैक जैक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर रूस का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट है। 25 जनवरी 2018 को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में इस विमान को खरीदने का करार हुआ। डील 10 Tu-160 की हुई, जिसके लिए 15 बिलियन रूबल चुकाने की बात तय हुई। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा खर्च जोड़कर एक Tu-160 की कीमत 16 बिलियन रूबल यानी 189,25,24,705 रुपए तक पहुंच गई। तो रूस की सेना युद्ध के मैदान में कई एयरक्राफ्टों से भी लैस है। इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल सेना युद्ध और रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों में कर रही है। रूस की सेना को हथियारों और सैन्य साजो सामान के तौर पर 1.73 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ा है। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी रूस और यूक्रेन एक दूसरे को युद्ध का कसूरवार ठहरा रहे हैं। चौबीस फरवरी 2022 को जिस युद्ध का आगाज हुआ उसमें रूस ने Be-200 CHS एयरक्राफ्ट का भी कई बार इस्तेमाल किया है। ये दोहरी भूमिका वाला एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल रूस की सेना युद्ध और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों कामों में करती है।
इस एक विमान की कीमत 2640 मिलियन रूबल यानी 312 करोड़ 26 लाख 65 हजार 763 रुपए है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 तक रूस ने यूक्रेन युद्ध के शुरुआती 9 महीने में करीब 82 बिलियन डॉलर खर्च किए। इसमें 29 बिलियन डॉलर सैन्य बलों पर, 16 बिलियन डॉलर वेतन पर, 9 बिलियन डॉलर से ज्यादा युद्ध में मारे गए सैनिकों के परिवार पर खर्च हुए। इतना ही नहीं, रूस की सेना को हथियारों और सैन्य साजो सामान के तौर पर 21 बिलियन डॉलर यानी करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इतना बड़ा नुकसान हुआ लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला। आलम ये है कि अब भी रूस और यूक्रेन एक दूसरे को युद्ध का कसूरवार ठहरा रहे हैं। Не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. После этого все началось. После этого последовали события в Крыму и на Донбассе. जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, नुकसान सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हुआ है, इंसानियत का हुआ है,